हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डीओई की वर्कशीट नंबर 41, जो कि 16th ऑफ दिसंबर यानी थर्सडे की वर्कशीट है और क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और सब्जेक्ट है वर्कशीट का इंग्लिश। लेकिन हम वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है चैनल को तो बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज भी हम पढ़ेंगे लेसन दिस इज जोडीज फोन कंटिन्यू, यानी आगे हमने जो भी पिछले वर्कशीट में पढ़ा था उसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ए पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो। तो आपको 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये जंबल्ड है यानी ये ऑर्डर में नहीं है, यानी किस सेंटेंस के बाद क्या हुआ फिर क्या हुआ, ये उल्टे पुल्टे क्रम में है। आपको इसको अरेंज करना है, जो सबसे पहले हुआ उसको फर्स्ट डालना है, जो सेकंड हुआ उसको सेकंड डालना है। तो ये 5 सेंटेंस हैं, हमने इसे अरेंज कर दिया यहाँ पे। तो जो पहला सेंटेंस आएगा वो आएगा नंबर 3 वाला, ये फोन्स मदर वॉज किल्ड, वो जो हिरन था उसकी माँ को, हिरन के बच्चे की जो माँ थी यानी डो जो था उसको मार दिया गया। तो ये हो जाएगा हमारा पहला सेंटेंस, तो सबसे पहले आएगा 3 नंबर का। फिर नंबर 2 पे आएगा हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस यानी ये वाला, पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जोडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम। तो जोडी को जब पता चला था कि उसकी माँ मर चुकी है, तो जोडी ने पेनी को यानी अपने पापा को बोला कि मैं उसको, उस फोन को, हिरन के छोटे से बच्चे को मैं घर लाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड में आएगा सेंटेंस नंबर 1। अब थर्ड प्लेस पे आएगा हमारा सेंटेंस नंबर 5, जोडीज मदर वॉज स्टंड एट वॉट जोडी हैड सेड। तो जब ये जोडी ने ये आइडिया दिया, अपनी मम्मी को बताया, तो उसकी मम्मी बिल्कुल स्टंड रह गई, यानी वो उनको लग रहा था कि जोडी ऐसा कैसे सोच सकता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा थर्ड नंबर पे सेंटेंस नंबर 5। फिर हमारा फोर्थ पे आएगा सेकंड सेंटेंस यानी मिलविल ऑफर टू गिव अ राइड टू जोडी टू फाइंड द फोन। मिलविल ने ऑफर किया कि वो उसे घोड़े पे जोडी को छोड़ देगा फोन तक, यानी जंगल तक। तो ये हो जाएगा हमारा फोर्थ सेंटेंस नंबर 2 वाला। लास्ट में आएगा हमारा नंबर 4। तो ये हो जाएगा हमारा क्रम, इस क्रम में आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है। अब पैसेज पढ़ेंगे आगे। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूफ्स टू एंड देन कट टू द राइट, द स्क्रब वॉज स्टिल, ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन दिस हिज डायरेक्शन, देन अ बजर्ड रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इन टू द एयर। He came into the clearing under the oaks. Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. They turned their heads on their long, scrawny necks and hissed at him. He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the doe to the carrion birds. अब यहाँ पे क्या हुआ? जोड़ी गया जंगल में फॉन को ढूंढने के लिए। वो बिल्कुल वहाँ पे शांति थी, उसको कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी, बस वो जब चल रहा था तो ट्विग्स यानी जो सूखे पत्ते थे, सूखी लकड़ियाँ थी जो उसके पैरों से दब रही थी, उनकी आवाज़ हो रही थी। तभी क्या वहाँ पे बजर्ड्स यानी ये इस तरीके के जो पक्षी होते हैं जो जानवरों के, मरे हुए जानवरों के मांस को खाते हैं, तो वो वहाँ पे थे। उन्होंने डोग यानी जो हिरन जिसे मार दिया गया था उसका शरीर अभी भी वहाँ पे पड़ा था, कैरकस यानी मृत शरीर वो पड़ा था, और जो पक्षी है उसको नोच नोच के खा रहे थे। तो जैसे ही जोडी गया उसने देखा कि सारे पक्षी ने उसके शरीर को घेर रखा है, क्योंकि जोडी उसी जगह गया था जहाँ उसे फोन दिखा था। फोन कहाँ दिखा था? उसकी मम्मी के यानी उस डो के शरीर के पास। तो इसलिए जोडी को लगा कि वो फोन भी उसे वहीं दिखेगा। तो उसने क्या किया, उसने उसके पास लकड़ी का टुकड़ा था, उसने जिसे बो कहते हैं, उसने उसको उन पक्षियों की तरफ फेंका जिससे वो सारे पक्षी वहां से उड़ गए और पेड़ के पास बगल में एक पेड़ था वहां पे जाके वो बैठ गए। अब यहाँ पे जो सैंड था वहां पे जोड़ी को पंजों के निशान भी सैंड पे दिख रहे थे, यानी जो चल रहे होंगे जो जानवर, तो किसके निशान थे? बिग कैट्स। बिग कैट्स क्या होती है? जैसे चीता हो गया, लेपर्ड हो गया, टाइगर हो गया, कैट फैमिली से जो होते हैं बिग कैट्स, उनके पंजों के निशान लग रहे थे। लेकिन ऐसे जो जानवर होते हैं वो मरे हुए जानवर को नहीं खाते हैं, वो शिकार करते हैं फ्रेश। यहाँ पे लिखा है बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, यानी वो खुद शिकार करते हैं, खुद जानवर को मारते हैं और तब खाते हैं। कोई भी जानवर मरा हुआ पड़ा हुआ है अगर जमीन पे या जंगल में, तो उसे नहीं खाएंगे। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेर ही हैड सीन द फॉन। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे द फॉन वॉज नॉट देयर। ही सर्कल द क्लियरिंग, देर वॉज नो साउंड नो साइन। द बजर्ड्स क्लैग्ड दियर विंग्स इम्पेशेंट टू रिटर्न टू दियर बिजनेस। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेर द फॉन had emerged and dropped on all fours, studying the sand for the smallest hoof prints. The night's rain had washed away all tracks except those of cats and buzzards. अब जोडी ने क्या किया, वो इधर उधर पूरा देख रहा था, ढूंढ रहा था, वो उसी जगह गया एग्जैक्टली जहाँ पे उसे वो फोन
दिखा था, लेकिन वहाँ पे वो फ़ोन का कोई नामो निशान ही नहीं था। उसने हर जगह देखा, ढूंढा, और उसे ज़मीन में जो जो फुटप्रिंट्स वो देख पा रहा था बिग कैट्स के, तो उसने कोशिश की कि उसे सैंड में जो है फ़ोन के फुटप्रिंट्स मिल जाए, बट उसे नहीं मिले क्योंकि बारिश की वजह से सारे फुटप्रिंट्स धुल चुके थे। अब क्वेश्चन देखेंगे, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट्स बिलो। तो यहाँ पे कुछ आपको ब्लैंक स्पेसेस दिए गए हैं, आपको ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो चूज करके लिखना है। हु वॉज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स? तो जोडी ने मिलविल को वापस भेज दिया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा मिलविल। सेकेंड है, जोडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड द फोन, वो फोन को ढूंढ रहा था। थर्ड है, जोडी हैड कम टू द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन। फोर्थ, जोडी गॉट रिड ऑफ द बजर्ड्स बाई थ्रोइंग हिज बो। फिफ्थ है, हुज फुटप्रिंट्स डिड द सैंड शो? बिग कैट्स। सिक्स्थ है, वॉट डिड द बजर्ड्स डू ऑन सींग जोडी? दे हिस्ड एट हिम। सेवेंथ है, वाई डिड द बजर्ड्स क्लैक देयर विंग्स टू रिटर्न टू देयर बिजनेस? एट्थ है, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स। तो यहाँ पे आपको दो आपको मीनिंग दिए गए हैं, तो आपको पैसेज में से ढूंढना है कि कौन से ऐसे वर्ड है जिनका यही मीनिंग निकलता है, यानी इस मीनिंग के लिए आपको वर्ड ढूंढना है पैसेज में से। तो पहला वर्ड है नियर बाय, तो नियर बाय का जो वर्ड हमें मिला पैसेज में वो है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब ही होता है नियर बाय, यानी आसपास। सेकंड है अ लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री, तो पेड़ का एक बहुत बड़ा सा ब्रांच, यानी जो टहनी होती है पेड़ की बड़ी सी, उसको हम बोलते हैं बो। तो ये भी वर्ड हमें पैसेज में से मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा BOUGH, बो। यहाँ पे आप रिटर्न की स्पेलिंग करेक्ट कर लेंगे, RETURN, रिटर्न। तो आज की वर्कशीट यहाँ पे इसी के साथ समाप्त होती है। तो इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट यहाँ पे समाप्त होती है। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ICT चैनल के नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। ऑल सेलेक्ट करने से आपको जब भी चैनल पे वीडियोस अपलोड होंगी आपको उसका इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपको वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी। और इसके साथ ही आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, ICT चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे भी वर्कशीट्स रेगुलर अपलोड होती रहती है, वहां पे जाके आप वर्कशीट को डायरेक्ट लिंक से ओपन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको आंसर्स के PDF भी वहां से मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, और इस वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।